कोरोना काल में जहां गरीब लोगों की मदद के लिए तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं शिवसेना ने भी गरीब लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि ये संकट का समय है, लिहाजा इस संकट के समय में अब सबको एक साथ मिलकर काम करना है। कोई भी गरीब बेसहारा भूखा न रहे, इसका सभी को ध्यान रखना है, लिहाजा गरीबों और भूखों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। शिवसेना ने मरीजों को ऑक्सीजन और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई। जिस किसी को भी ऑक्सीजन या दवाइयों की जरूरत है उनसे संपर्क कर सकता है, उनकी टीम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी। आज हम सब शिवसेना के पदाधिकारियों ने एक योजना शुरू करी है। वैसे तो शिवसेना के पदाधिकारी और सभी शिवसैनिक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। शुरुआत से ही लेकर के शिवसैनिकों ने निजी अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर के भी लोगों की मदद करी है। हर क्षेत्रों में सैनिटाइजर भी कराया और उच्च अधिकारियों से मिलकर के लोगों को भर्ती कराने से लेकर ऑक्सीजन दिलाने तक का कार्यक्रम करा। लेकिन बहुत दिनों से जो हम समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो हम लोग देख पा रहे थे, वो सबसे ज़्यादा कठिनाई का वक्त ये था कि लोगों के लोग घरों में बीमार हैं और उनको ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब जो एक दृश्य कई बार हम लोगों को देखने को मिला, पढ़ने को मिला, वो ये रहा कि उसके अंदर हम सब लोगों को ये दृश्य मिला कि लोगों को जब अंतिम यात्रा के समय भी लोगों के साथ खड़े नहीं हो रहे। सभी संप्रदाय के लोग, भले वो हिंदू हैं, भले वो मुस्लिम हैं, भले वो सिख हैं, भले वो ईसाई, सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद करी है। ये भी एक अच्छी बात है। और कई जगह ऐसा देखने को मिला कि हिंदू परिवारों को, मुस्लिम परिवारों के द्वारा उनको अंतिम यात्राएं भी करी गई हैं। लेकिन शिवसैनिक अब इस अंतिम यात्रा के लिए हम लोगों ने बेड़ा उठाया कि किसी को भी अगर किसी के परिवार में लोग उनके तक अगर उसे शमशान भूमि तक या कब्रिस्तान तक या किसी भी जगह तक पहुंचाने के लिए अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो शिवसैनिकों की टीम जाएगी।